तो सुडो प्लाज्मोडियम एक प्रिमिटिव फॉर्म है मल्टी सेलुलरिटी की, जहां पे सेल्स अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करती हैं और ज्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर होगा, कुछ सेल्स फ्रूटिंग बॉडीज बनाएंगी, कुछ सेल्स स्पोर फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी, तो डिवीजन ऑफ लेबर इज आल्सो फाउंड। सो सेलुलर फ्लाइमोल्ड्स आर नोन एज एडवांस्ड प्रोटोस्पोर प्रिमिटिव फंजाई। गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक, बायोलॉजी पर आपका फिर से स्वागत है। तो जो हमारा चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, उसी में किंगडम प्रोटिस्टा को आगे मूव करते हैं। लास्ट सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट सेशन में बच्चों हमने डिस्कस कर लिए थे डायनोफ्लैजेलेट्स, ट्राइसोफाइट्स एंड यूक्लिनोइड्स, राइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, दैट इज स्लाइमोल्ड्स। तो किंगडम प्रोटिस्टा को मैंने आपको बताया था तीन पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, नाउ फंगस लाइक प्रोटिस्ट जिनको हम स्लाइमोल्ड्स कहते हैं आज डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बाद एनिमल लाइक प्रोटिस्ट या प्रोटोजोन्स डिस्कस होंगे, ठीक है। ये ब्रॉडर लाइन क्लासिफिकेशन, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट, यूक्लिनोइड्स ऑलरेडी एंड नाउ स्लाइमोल्ड्स। तो विदाउट एनी डिले सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो बेटा जो फंजाई है उसको इंक्लूड किया गया है डिवीजन जिम्नोमाइकोटा, इसका डिवीजन है जिम्नोमाइकोटा या माइकोटा भी आप बोल सकते हैं इसको, माइकोटा और माइकोटा। ये फंगस लाइक एनिमल्स हैं, तो क्योंकि उनका नेचर फंगस लाइक है बट वो प्रोटिस्ट हैं, तो दे आर ऑल्सो नोन एज प्रोटिस्टियन फंजाई। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात आती है दे आर सेप्रोबायोटिक ऑर्गेनिजम्स, दे लैक क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, एंड दे आर सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट एंड समटाइम्स विदाउट सेल वॉल। स्पोर्स में सिर्फ सेल वॉल होगी, बाकी टाइम पे सेल वॉल भी एब्सेंट होती है। और एक स्टेज तो ऐसी आती है लाइफ में कि जब वो अमीबा लाइक, यहां पे आप देख रहे हो ना, इरेगुलर सी स्ट्रक्चर हो जाती है, अमीबॉइड स्ट्रक्चर हो जाती है एट वन स्टेज ऑफ लाइफ। यूजुअली वो सर्वाइव करते हैं डिकिंग मैटर पर, इसलिए तो उनको फंजाई कहा जाता है, बट उनमें कलरेशन बहुत ज्यादा दिखाई देती है, वाइड फॉर्म ऑफ कलरेशन इज फाउंड। फैगोट्रोपिक और सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स है, यहां पर आप देख पा रहे, फैगोट्रोपिक है, डेड डिकेड मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, पैरासाइटिक फॉर्म नहीं होती, दे आर सेप्रोट्रोपिक, फैगोट्रोपिक। एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मोड रिप्रोडक्शन के यहां पे रिपोर्ट किए गए हैं, यहां पर देखे जाते हैं। जो स्पोर्स होंगे वो स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होंगे, ये स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया में स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। स्पोर में मैंने अभी आपको बताया, स्पोर में सेलुलोज की सेल वॉल प्रेजेंट होती है, अदर्स में नहीं होती। अब ये दोनों को रिजेंबल करते हैं, ये प्रोटोजोआ को भी रिजेंबल करते हैं एंड दे ऑल्सो रिजेंबल ट्रू फंजाई, दोनों ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। कि अमीबॉइड स्टेज होती है, मैंने अभी आपको बताया अमीबॉइड प्लाज्मोडियम स्टेज होती है, ये प्लाज्मोडियल स्टेज बेटा उस प्लाज्मोडियम से डिफरेंट है जो क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है, एंड स्पोर फॉर्मेशन के हिसाब से ये फंजाई के क्लोज है, तो इसलिए दोनों ग्रुप के कैरेक्टर इसमें दिखाई देते हैं। ये तो बात हो गई जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, अगर ब्रॉडर लाइन क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये दो ग्रुप में इनको हम स्टडी कर सकते हैं, ए सेलुलर एंड सेलुलर स्लाइमोल्ड्स। तो स्टार्ट करते हैं पहले ए सेलुलर स्लाइमोल्ड से। ए सेलुलर स्लाइमोल्ड्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहली बात यहां पर आइसोगैमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड। आइसोगैमी में क्या था, हमने देखा था कि दोनों के दोनों गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, आइसोगैमी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय आइसोगैमी, पहली चीज क्लियर हो गई। जो स्पोर्स है वो जर्मिनेट करेंगे एंड आफ्टर जर्मिनेशन दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजेलेटेड स्वार्म सेल। अभी बाइफ्लैजेलेटेड स्वार्म सेल कैसी होती है, दिस इज बाइफ्लैजेलेटेड स्वार्म सेल, दो फ्लैजिला है, सो बाइफ्लैजेलेटेड
सेल इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पोर्स। ये स्वार्म सेल गैमेट की तरह एक्ट करती है। तो एक तो आइसोगैमी हो गया, एक स्वार्म सेल होगी। अब ये गैमेट कंबाइन करके जायगोट बनाएंगे और जायगोट ही बच्चों कहलाता है प्लाज्मोडियम। तो ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स में बनता है प्लाज्मोडियम। ये मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, मल्टीन्यूक्लिएटेड है। क्यों है मल्टीन्यूक्लिएटेड? क्योंकि इसमें रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स होंगे, एक के बाद एक माइटोटिक डिविजन्स होते रहते हैं। तो जो फ्री लिविंग मल्टीन्यूक्लिएट जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाती है? प्लाज्मोडियम। अब इस प्लाज्मोडियम से बहुत सारे प्लांट लाइक बॉडीज बनते हैं जिनको कहा जाता है स्पोरेंजिया। प्लांट लाइक बॉडीज स्पोरेंजिया आर फॉर्म्ड। ठीक, स्पोरेंजिया कहां प्रेजेंट होगा? स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा एक स्टॉक पे, ये स्पोरेंजिया। ये स्ट्रक्चर जहां पे ये स्पोर्स प्रेजेंट है ये स्पोरेंजियम कहलाएगा। ये इसका स्टॉक हो गया और इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट और बहुत सारे यहाँ पे इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का नेटवर्क होता है जिसको कैपिच्यूलियम कहा जाता है, कैपिलियम। स्पोर्स में होगा मियोसिस और स्पोर फॉर्मेशन मियोसिस की तरह होगी क्योंकि डिप्लोइड जायगोट से स्पोर की फॉर्मेशन होती है। तो जायगोट में रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस होके स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। मूवमेंट होगा सेलुलर स्लाइम मोल्ड का विद हेल्प ऑफ सुडोपोडियल, सुडोपोडियल या अमीबॉइड, अमीबॉइड मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा बच्चों। सबसे दो कॉमन एग्जाम्पल जिसे आप उनके हैबिटेट के बारे में भी और उनकी स्ट्रक्चर के बारे में भी और आइडिया लगा पाएंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल। फाइसेरम इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है, फाइसेरिला इसका दूसरा कॉमन एग्जांपल है। ये दो कॉमन एग्जांपल हैं ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स के, जो कि डेड डिकेड मैटर पे, डेड डिकेड लीव्स पे, ट्विग्स पे आपको देखने को मिल जाते हैं, या और जो वेजिटेबल मैटर है वहां पर आपको मिल जाएंगे। जब कंडीशंस होंगी अनफेवरेबल, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस ये जो स्लाइम मोल्ड्स हैं, या तो बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाए, लो टेम्परेचर हो जाए, या वाटर क्रिस्टलिसिटी हो जाए, तो अनफेवरेबल कंडीशन में जो ये प्लाज्मोडियम है जो मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है इसमें मल्टीन्यूक्लिएटेड सिस्ट बन जाते हैं, या पूरा का पूरा जो प्लाज्मोडियम है उसके चारों तरफ एक हार्ड डोरमेंट स्ट्रक्चर बन जाती है, इसको स्क्लेरेशिया कहा जाता है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो सिस्ट इन सारे के सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड डिप्लोइड प्लाज्मोडियम को रिलीज कर देगा। तो ये जो स्ट्रक्चर्स बनी दे आर नोन एज स्ट्रक्चर ऑफ पेरेनेशन, एडवर्स कंडीशन में उनको सर्वाइव करने में हेल्प कर देते हैं। नाउ लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखना है बच्चों। लाइफ साइकिल ऑफ ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड बहुत सिंपल है, बहुत आसान है अगर आप स्टेप वाइज चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले स्पोरेंजिया फॉर्मेशन होगा कि जब प्लाज्मोडियम मैच्योर हो जाएगा तो उससे क्या बनेगी? स्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, सॉरी सबसे पहले स्पोरेंजिया की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब स्पोरेंजिया के चारों तरफ एक हार्ड लेयर होती है जिसको पेरिडियम कहेंगे। तो दो फेजेस में इसकी पूरी लाइफ साइकिल को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्पोरेंजिया फॉर्मेशन अकर्स, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट। एंड नाउ फ्रॉम दिस स्पोरेंजिया स्पोर फॉर्मेशन occurs। इसमें मियोसिस होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा एंड हैप्लोइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। तो सेकेंड स्टेज इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोरेंजिया के बाद स्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो जो मल्टीन्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म था स्पोरेंजिया का
उससे यूनिन्यूक्लेटेड स्पोर्स बन जाते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? देन जर्मिनेशन अकर्स, थर्ड स्टेप इज नोन एज जर्मिनेशन। बहुत सारी बुक्स में आपको बहुत सारा कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। पहला स्टेप हो जाएगा स्पोर फॉर्म, स्पोरेंजिया फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, लिबरेशन ऑफ स्पोर्स, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं करना, हम बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में इस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन के साथ साथ ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, जर्मिनेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो हमारा हैप्लोइड स्पोर था, उसको जैसे ही सुटेबल कंडीशंस मिलेंगी, वो जर्मिनेट करना शुरू कर देगा, एंड इट फॉर्म्स टू स्ट्रक्चर्स, दो स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी। एक कहलाएगा मिक्स अमीबा, एंड सेकेंड वन इज नोन है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, बाइफ्लैजिलेटेड स्वार्म सेल। तो दो स्ट्रक्चर एक साथ बनेंगे यहां पर, बाइफ्लैजिलेटेड स्वार्म सेल एंड मिक्स अमीबा। क्लियर टू एवरीवन? ये दोनों के दोनों कैसे स्ट्रक्चर्स हैं बच्चों? ये दोनों के दोनों हैप्लोइड स्ट्रक्चर्स हैं। इनमें सेल डिवीजन होकर इनका नंबर बढ़ जाएगा, बहुत सारी हो जाएंगी। उनमें से दो मिक्स अमीबी फ्यूज करके और क्या बना देंगी? डिप्लोइड जायगोट की फॉर्मेशन कर देंगे, डिप्लोइड जायगोट इज फॉर्म्ड। तो अभी तक ये सारी स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ी वो कैसी थी? वो कैसी थी? हैप्लोइड स्ट्रक्चर थी, क्योंकि फ्रूटिंग बॉडीज हैं इसमें, फ्रूटिंग बॉडीज से ही स्पोर की फॉर्मेशन हुई मियोसिस के थ्रू। तो ये हैप्लोन्टिक फेज हो गया लाइफ साइकिल का, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हैप्लोइड हैं। इज इट क्लियर? इसी तरह ये स्वाम सेल्स भी एंड टू एंड उनके फ्लैजिला अपोजिट साइड में होंगे और वो फ्यूज कर जाएंगी, फ्लैजिला अपोजिट साइड में होंगे और ये भी फ्यूज कर जाएंगे। नाउ फ्रॉम दिस जायगोट अब क्या होगा? यंग प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन होगी, यंग प्लाज्मोडियम इज फॉर्म, जो एक अनऑर्गेनाइज मास की तरह दिखाई देगा। ये यंग प्लाज्मोडियम चेंज हो जाएगा ओल्ड प्लाज्मोडियम में, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया? प्लाज्मोडियम फॉर्मेशन। फोर्थ स्टेप इज प्लाज्मोडियम फॉर्मेशन, एंड अल्टीमेटली फ्रॉम दिस मैच्योर प्लाज्मोडियम स्पोरेंजिया फॉर्मेशन अकर्स, फ्रूटिंग बॉडीज की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। सो इन दिस वे लाइफ साइकिल ऑफ ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड इज कंप्लीटेड। तो ये सारा का सारा डिप्लोइड फेज था, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, ये सारा का सारा हैप्लोइड फेज था। तो सबसे पहले स्पोरेंजिया की फॉर्मेशन हुई फ्लोटिंग बॉडी से, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन, स्पोर फॉर्मेशन, जर्मिनेशन, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जायगोट बनने के बाद प्लाज्मोडियम, एंड अल्टीमेटली फ्लोटिंग बॉडीज की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है? अब अगर हम बात करें दूसरे टाइप के स्लाइम मोल्ड की, दैट इज सेलुलर स्लाइम मोल्ड। सेलुलर स्लाइम मोल्ड का हैबिटेट ह्यूमस कंटेनिंग डैम्प सोइल होती है, ह्यूमस कंटेनिंग अपर सोइल, अपर लेयर ऑफ सोइल। यह तो ये डैम्प सोइल में मिलते हैं। लाइफ साइकिल थोड़ा सा अलग होती है एज कंपेयर टू सेलुलर स्लाइम मोल्ड। तो सबसे पहले जो स्पोरेंजिया होता है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चरली भी ये थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। तो ये स्पोरेंजियम है सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स का। दिस स्पोरेंजियम प्रोड्यूस, स्पोरेंजियम से क्या प्रोड्यूस होते हैं? स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। दिस स्पोर्स अंडरगोज जर्मिनेशन, तो स्पोर का जर्मिनेशन होता है, एंड इट चेंजेस इनटू मिक्स अमीबा। यहां तो कोई कंफ्यूजन, मिक्स अमीबा बन गया, और इस मिक्स अमीबा से बहुत सारी
अमीबॉइड सेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारी अमीबॉइड सेल्स हैं, ये सारी की सारी अमीबॉइड सेल्स हैं। अब ये सारी की सारी अमीबॉइड सेल एग्रीगेट होकर एक लार्जर स्ट्रक्चर बना देती हैं, जिसको कहा जाता है सूडो प्लाज्मोडियम। दिस लार्ज स्ट्रक्चर इज नोन एज सूडो प्लाज्मोडियम। इस सूडो प्लाज्मोडियम से ही स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम की फॉर्मेशन होती है, वो जर्मिनेट करता है, राइट। और जैसे ही सुटेबल सबस्ट्रेटम मिलेगा वो ग्रो कर जाएगा। तो दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ सेलुलर प्लाज्मोड। स्टेप वाइज मैं बताता हूं कैसे कैसे क्या क्या हुआ। सबसे पहले हुआ बच्चों देखिए स्पोरेंजियम की फॉर्मेशन, स्पोरेंजियम फॉर्मेशन, जैसा कि वहां पे भी हुआ था ए सेलुलर प्लाज्मोड के केस में भी स्पोरेंजियम स्टॉक स्ट्रक्चर है। ये प्रिमिटिव फॉर्म जो है उस तरह का रिप्रोडक्शन यहां पे देखने को मिलता है। तो जो सूडो प्लाज्मोडियम था बनेगा उसकी सेल्स डिफरेंशिएट हो जाती है, सूडो प्लाज्मोडियम सेल्स डिफरेंशिएट होकर, सॉरी सूडो प्लाज्मोडियम सेल डिफरेंशिएट्स और स्पोरोकार्प बना देंगे। इस स्पोरोकार्प पे एक टर्मिनल एंड पे क्या होगा, स्पोरेंजियम प्रेजेंट होगा। अब यहां पे स्पोरेंजियम नेकेड होता है, सेलुलर स्लाइम मोल्ड का जो स्पोरेंजियम है इट इज नेकेड, इट इज नॉट कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेन। स्टॉक बेंट भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है। अब इसी स्पोरेंजियम से स्पोर की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो सेकंड स्टेप क्या हो गया, स्पोर फॉर्मेशन। जैसा कि अभी मैंने ऑलरेडी आपको ये सारे स्टेप बताए थे, स्पोर फॉर्मेशन हो गया। ये स्फेरिकल होती है और इनके चारों तरफ सेलुलोज की सेल वॉल होगी, वहां पे नेकेड था, यहाँ पे सेलुलोज की सेल वॉल होती है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है स्पोर्स। हैप्लोइड स्ट्रक्चर है, स्पोर इज हैप्लोइड स्ट्रक्चर, यूनिन्यूक्लिएट जो कि जर्मिनेट करके मिक्स अमीबा की फॉर्मेशन कर देगा। ऑन जर्मिनेशन तो थर्ड स्टेप क्या हो गया, जर्मिनेशन एंड मिक्स अमीबी फॉर्मेशन, मिक्स अमीबा फॉर्मेशन अकर्स। दिस मिक्स अमीबा एग्रीगेट टू फॉर्म ए लार्जेस्ट स्ट्रक्चर विच इज नोन एज सूडो प्लाज्मोडियम, सूडो प्लाज्मोडियम। तो सूडो प्लाज्मोडियम एक प्रिमिटिव फॉर्म है मल्टी सेलुलरिटी की, जहां पे सेल्स अपनी आइडेंटिटी तो मेंटेन करती हैं और ज्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। यहां पे डिवीजन लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर होगा, कुछ सेल्स फ्रूटिंग बॉडीज बनाएंगी, कुछ सेल्स स्पोर फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी, तो डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो फाउंड। सो सेलुलर प्लाज्मोड्स आर नोन एज एडवांस्ड प्रोटिस्ट और प्रिमिटिव फंजाई, दे आर नोन एज एडवांस्ड प्रोटिस्ट और प्रिमिटिव फंजाई। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है दोनों की लाइफ साइकिल में। इज इट क्लियर टू एवरीवन, याद रहेगा आप लोगों को। देखो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हुआ किसमें, सेलुलर प्लाज्मोड्स में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सेलुलर प्लाज्मोड्स, तो उसमें दो तीन चीजें होती हैं, ये कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोसेस है कि एविडेंसेस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। तो इसमें क्या होता है, जो मिक्स अमीबी बने, ये एक मिक्स अमीबी है, ये क्लस्टर बना देते हैं, ग्रुप बना देते हैं मिक्स अमीबी का। इज इट क्लियर, ग्रुप बन गया, क्लस्टर बन गया, ठीक है। अब इसमें से जो सेंट्रल होगा, सेंट्रल मिक्स अमीबी जो है वो सराउंडिंग को इनगल्फ करना शुरू कर देता है, सेंट्रल मिक्स अमीबी इनगल्फ सराउंडिंग सेल्स या सराउंडिंग मिक्स अमीबी, ठीक। तो इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी बाकी सबसे लार्ज। अब इस लार्ज सेल के चारों तरफ एक थिक सेल वॉल बन जाएगी और
इट इज कन्वर्टेड इनटू जायगोट। इस जायगोट क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बड़ा है, इस जायगोट को कह देते हैं मैक्रोसिस्ट। दिस लार्ज स्ट्रक्चर इज नोन एज मैक्रोसिस्ट। और इस मैक्रोसिस्ट में होती है बच्चों कैरियोगेमी, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। न्यूक्लियस डिवाइड करके फिर इट अंडरगोज मियोसिस एंड मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन, मल्टीपल माइटोसिस, सिंगल मियोसिस एंड मल्टीपल माइटोसिस अकर्स। तो इसी में बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, और जब इसमें स्पेस नहीं बचेगा तो ये रप्चर हो जाएगा, ठीक है, जिससे कि सारे के सारे हैप्लोइड मिक्स अमीबी, सारे के सारे हैप्लोइड मिक्स अमीबी रिलीज हो जाएंगे। क्लियर? सो दिस इज हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोसेस है, सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स में रिकॉर्ड की गई है। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज एक बार मुझे बताइए। तो सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स की अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, फीचर्स की बात करूं, तो क्या क्या अभी तक हमने देखा? फीचर्स ऑफ सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स, सबसे पहली बात जो हमने देखी यहां पर, यहां पे कोई फ्लैजिलेटेड सेल नहीं थी, नो फ्लैजिलेटेड सेल, जबकि ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स में बाई फ्लैजिलेटेड स्वार्म सेल्स वर प्रेजेंट, है ना, वहां पे बाई फ्लैजिलेटेड स्वार्म सेल थी, लेकिन यहां पर कोई इस तरह की सेल प्रेजेंट नहीं होती, नो फ्लैजिलेटेड सेल। सेकेंडली जो यूनिन्यूक्लिएटेड मिक्स अमीबी बनी वो लेस होगी, यूनिन्यूक्लिएटेड मिक्स अमीबी आर वॉल लेस, उनके चारों तरफ कोई कवरिंग नहीं होगी। देन वहां पे प्लाज्मोडियम बना था, यहां पे सूडो प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन होती है, लेकिन सूडो प्लाज्मोडियम इज ए क्लासिकल एग्जांपल ऑफ, सूडो प्लाज्मोडियम इज क्लासिकल एग्जांपल ऑफ व्हाट? प्रिमिटिव मल्टी सेलुलरिटी यहां पर देखने को मिलती है, जहां पे डिवीजन ऑफ लेबर होगा, अलग अलग सेल्स अलग अलग काम करती हैं, कुछ सेल्स स्पोर की फॉर्मेशन करेंगी, कुछ मिक्स अमीबी बनाएंगी। ड्यू टू दिस रीजन दीज स्लाइम मोल्ड्स आर नोन एज, सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स आर नोन एज एडवांस प्रोटिस्ट और प्रिमेटिव फंजाई, एडवांस प्रोटिस्ट और प्रिमेटिव फंजाई, क्योंकि यहां पर डिविजन ऑफ लेबर भी देखने को मिल रहा है, यहां पर प्रिमेटिव मल्टी सेलुलरिटी भी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट फीचर कि जो स्पोरेंजिया बना वो भी तो नेकेड है, विदाउट एनी कवर, तो स्पोरेंजिया इज ऑल्सो नेकेड, लेकिन जो स्पोर्स हैं, स्पोर के चारों तरफ सेल वॉल होती है, एंड इस सेलुलर स्लाइम मोल्ड में आइसोगैमी होती थी, जहां पे अनआइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अनआइसोगैमी देखने को मिलती है। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या ये कह सकते हैं बेसिक डिफरेंसेस भी हैं सेलुलर और ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड में, कि एक तरफ ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड में और एक तरफ सेलुलर स्लाइम मोल्ड हम ले लेते हैं, ए सेलुलर में स्वार्म सेल्स होती है, यहां पे स्वार्म सेल्स नहीं होती, वहां पे स्पोरेंजिया कवर्ड होता है, यहां पे स्पोरेंजिया नेकेड होता है, वहां पे आइसोगैमी देखने को मिलती है, दोनों मोर्फोलॉजिकली दोनों गैमेट्स एक जैसे होते हैं, बट सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स में अनआइसोगैमी, अनआइसोगैमी रिपोर्ट की गई है। सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स में प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन, सॉरी सूडो प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन होती है, सूडो प्लाज्मोडियम बनेगा, लेकिन ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स में प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन होती है, यहां पे कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं देखने को मिलता, बट इन ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स डिवीजन ऑफ लेबर अकर्स, अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है। बच्चों याद रहेंगे ये सारी चीजें, जल्दी बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में आ जाइए, उसके बाद हम बात करेंगे कुछ और यूनिक चीज की, एक और यूनिक चीज बता के फिर आपको इकोनॉमिक इंपोर्टेंस बताऊंगा। कुछ और यूनिक चीज ये है बच्चों मेरे, कि जो सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स है ना, सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स बच्चों मेरे ये प्लांट भी है, ये एनिमल भी है, दोनों का बिहेवियर शो करता है। जो रिप्रोडक्टिव फेज है सेलुलर स्लाइम मोल्ड का वो क्या है? प्लांट लाइक,
क्योंकि स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट है जो कि किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। तो ये सारे प्लांट के फीचर्स हैं। लेकिन जो वेजिटेटिव फेज है वो कैसा है? वेजिटेटिव फेज इज एनिमल लाइक। क्यों है एनिमल लाइक? क्योंकि कोई सेल वॉल नहीं, और जो फीडिंग है वो है अमीबा के जैसे। अमीबा के जैसे ही फीडिंग है इसलिए वो एनिमल की तरह बिहेव करता है। तो प्लांट भी है और एनिमल की तरह भी बिहेव करता है। लास्टली हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ स्लाइमोल्स। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस कि भाई क्यों इनको स्टडी किया गया, क्यों क्यों ये हमारे काम के हैं कि नहीं है। तो देखो बेटा ये कहाँ सर्वाइव करते हैं? डिकेड मैटर पे। तो ये क्या कॉज कर देते हैं? डिकम्पोजिशन। डेड डिकेड मैटर की डिकम्पोजिशन कॉज कर देते हैं, डिकम्पोजिशन कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर की इन द सोइल। तो बहुत अच्छा काम करते हैं ना। दूसरा, ये क्रीप करते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स के ऊपर, क्रीप ओवर ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो ये नुकसान करते हैं एंड मेक देम अगली। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं करते, ये नहीं करना। तीसरा, आर्टिस्टिक वैल्यू ऐड करते हैं क्योंकि ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं, ब्यूटीफुल कलर्स के होते हैं, तो आर्टिस्टिक वैल्यू ऐड कर दी। अब जो प्लाज्मोडिया है ना, स्लाइम मोल्ड्स का जो प्लाज्मोडिया है वो एक्सीलेंट स्टडी मटेरियल है। अगर हमें प्रोटोप्लाज्म की फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी स्टडी करनी है तो उसके लिए ये एक्सीलेंट मटेरियल होता है। ठीक है, तो दिस इज इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ किसकी बच्चों? यस, स्लाइम मोल्ड्स। तो आज हमने क्या क्या देखा? व्हाट वी स्टडी टुडे, क्या क्या स्टडी किया हमने? टुडे वी डिस्कस किंगडम प्रोटिस्टा में जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं उनकी बात करी हमने, हमने स्लाइम मोल्ड्स की बात करी। दोनों स्लाइम मोल्ड, चाहे वो ए सेलुलर है चाहे वो सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स हैं, दोनों को हमने डिस्कस किया। दोनों के फीचर्स, दोनों की लाइफ साइकिल एंड दोनों की इकोनॉमिक इंपोर्टेंस भी। उसके साथ साथ हमने कंपैरिजन भी देखा कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं सेलुलर और ए सेलुलर स्लाइमोल्स में। और डिटेल आपको देखना है, प्रीवियस वीडियोस आपको देखने हैं, तो आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, वहां पर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आपको नेक्स्ट टाइम इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलग अलग क्लासेस के लिए हमने अलग अलग टेलीग्राम चैनल्स बना दिए हैं। 11th 12th का टेलीग्राम चैनल ये है, 9th 10th का ये है, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और एक टीचर के लिए सबसे बड़ा फीडबैक क्या होता है? एक टीचर के लिए सबसे बड़ा फीडबैक है कि अगर उसके बच्चों को उसकी पढ़ाई हुई चीजें समझ में आती हैं, अगर उसका बच्चा रेस्पॉन्स दे रहा है तो इसका मतलब वो इंटरेक्टिव फॉर्म में पढ़ा रहा है। तो टेलीग्राम पर भी आप बायोनीति ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब का तो मैंने बता ही दिया, बायोनीति है, @ बायोनीति आप लिखेंगे, आप अपने चैनल पर पहुंच जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको नेक्स्ट टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना है। ये सोर्स ऑफ टीचर के लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है? सिर्फ यही तो है कि बच्चा अगर उसको रेस्पॉन्स दे रहा है, बच्चा उसको सपोर्ट कर रहा है, तो टीचर के लिए तो सबसे बड़ा मोटिवेशन है वो। अगर वो बच्चा कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ रहा है, फुल चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है, लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है, तो उससे बड़ा मोटिवेशन टीचर के लिए हो नहीं सकता। ठीक है ना बच्चों? चलिए, तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा में प्रोटोजोन्स या एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। ठीक, चलिए,